नमस्कार दोस्तों, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल दे चुका हूँ, जैसे इफ एल्स कंडीशन के बारे में। अगर वो सब आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये आप लोगों को समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस स्विच स्टेटमेंट को सीखते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट लिखने का कंडीशन कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों। सबसे पहले स्विच लिखा जाता है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा जाता है। इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे केस बनाया जाता है, केस कंडीशन वन, यहाँ पे कंडीशन लिखा जाता है। इसका जो कर्ली ब्रैकेट शुरू होने के बाद यहाँ पे केस लिखा जाएगा, उसके बाद कंडीशन लिखा जाएगा, कंडीशन वन मैं यहाँ पे लिखा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोलन लगाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट, उसके बाद इसमें ब्रेक लगाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर इसी तरीके से केस टू लिखा जाएगा, जितना आप लोग केस चाहे उतना बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे तीन केस बना के दिखाया है, इसी तरीके से जितना चाहे उतना केस बना सकते हैं। उसके अंदर अलग अलग कंडीशन लगा सकते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट को रन करा सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा प्रैक्टिकल प्रोग्राम में। उसके बाद दोस्तों लास्ट में यहाँ पे एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखा जाता है। अगर ये जो कंडीशन है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करता है तो ये हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन होता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम से मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं गूगल क्रोम और सब लाइन टेस्ट एडिटर को खोल चुका हूँ। इसके अंदर दोस्तों स्विच डॉट एच टी एम एल का फाइल भी बना लिया हूँ और इसको दोस्तों मैं यहाँ पे गूगल क्रोम में खोल गया हूँ। तो इसके अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे करने के वाले एक सिंपल सा कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना के स्विच स्टेटमेंट को सीखेंगे। दोस्तों कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, पहले यहाँ पे दो वेरिएबल बना लें, वेरिएबल नंबर वन, नंबर वन इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। इसके अंदर कुछ नंबर दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 66। उसी तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे नंबर टू के लिए वेरिएबल बनाएंगे, नंबर टू इक्वल टू यहाँ पे हम लोग कर देंगे 67 कर देते हैं। इस तरीके से कुछ भी आप लोग नंबर यहाँ पे रख सकते हैं। एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे जो कि दोस्तों हमारा रहेगा, जिसके अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे मेन काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक नंबर बना लेते हैं, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ एक्शन, क्या एक्शन होने वाला है, इस तरीके से कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको दोस्तों हम लोग स्विच स्टेटमेंट के अंदर कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं स्विच, ये हो गया। इसके अंदर हम लोगों को एक्सप्रेशन डालना है, एक्सप्रेशन अभी डालेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको इस तरीके से कर देंगे, एक्सप्रेशन के अंदर दोस्तों ये एक्शन हम लोग डाल देंगे, एक्शन डाल देंगे हम लोग एक्सप्रेशन के अंदर। यहाँ पे कुछ इसके अंदर वैल्यू भी दे देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं स्ट्रिंग में पास करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे प्लस कर देते हैं एग्जांपल के लिए। तो ये दोस्तों हमारा ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर मतलब ये दोनों नंबर के जोड़ने के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन हो गया। अब दोस्तों हम लोग इसके अंदर केस बनाएंगे। तो केस बनाने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को केस लिखना है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखना है। कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे एक्शन के अंदर दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को ये प्लस वाला वैल्यू मिलता है तो क्या करना है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टेटमेंट के अंदर क्या करना है, नंबर वन प्लस नंबर, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक है, नंबर टू, इस तरीके से यहाँ पे नंबर टू करना हम लोगों को, नहीं तो एक ही हो जाएगा, नंबर टू हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये दोनों का कैलकुलेशन हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट नाम से। मैं सिंपल करने का कोशिश कर रहा हूँ, रिजल्ट इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे और इसको हम लोग रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देंगे, रिजल्ट इक्वल टू इस तरीके से कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट करने के बाद यहाँ पे हम लोग रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे इस तरीके से कर देंगे। तो ये सिंपल हो गया। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेक कीवर्ड लगाने का, ब्रेक इस तरीके से आप लोग ब्रेक कीवर्ड लगाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों का ये जो केस है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो ये जो हमारा है वो ब्रेक हो जाएगा। तो कंट्रोल से सेव करते हैं और इसी का डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पे कंट्रोल सी और नीचे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी, इस तरीके से यहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर वहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी हम लोग माइनस कर देंगे माइनस। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कर देंगे माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई इस तरीके से
और यहाँ पे हमारा चौथा रहेगा, चौथा यहाँ पे रहेगा हमारा डिवाइड वाला, और यहाँ पर भी डिवाइड, इस तरीके से कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं। और हमारा एक मैंने आप लोगों को डिफॉल्ट वाला बताया था, तो डिफॉल्ट के अंदर भी स्टेटमेंट रन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर जो यहाँ पे कर देते हैं इनवैलिड। तो इस तरीके से देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा स्विच स्टेटमेंट बनके तैयार हो गया। स्विच के अंदर केस है, डिफरेंट डिफरेंट केस है, लास्ट में एक डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट भी है, जिसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेटर के नाम से कर रहे हैं। ऑपरेटर मतलब ये प्लस माइनस डिवाइड, जो कि दोस्तों हम लोग ने अर्थमेटिक ऑपरेटर वाले क्लास में देखा था। कंट्रोल से सेव करते हैं, एक बार इसको हम लोग रन करते हैं, देखते हैं ये हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट मिल चुका है, यहाँ पे 133, मतलब ये प्लस वाला यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ सिंपल सा नंबर दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 और यहाँ पे 5, 10 और 5। कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 15 आ गया, मतलब ये वाला जो हमारा था ये यहाँ पे काम कर रहा है। अगर यही मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हम लोगों को 5 आउटपुट में मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पर आप लोग रिफ्रेश करें, 2 देखेंगे यहाँ पे डिवाइड हो गया। जो भी आप लोग यहाँ पे एक्शन में डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग समझ लिए होंगे। यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ ओ लिख देता हूँ, ये तो किसी ऑपरेटर का नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेटर ये डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट रन हुआ, मतलब दोस्तों इसके अंदर जो ओ था ये इनमें से किसी में मैच नहीं किया। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा काम करता था। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये स्विच स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए एक टास्क है जो कि आप लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 दिया, तो यहाँ पे 3 मंथ में कौन सा दिन कौन सा महीना आता है, मार्च। तो आप लोगों को यहाँ पे मार्च प्रिंट करना, जैसे मैंने यहाँ पे किया इनवैलिड ऑपरेटर, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे आप लोगों को document.write.print यहाँ पे आप लोगों को मार्च प्रिंट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग 12 महीना का ये स्विच केस स्टेटमेंट बना के आप लोग हम मुझे कमेंट करेंगे। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।